इंट्रोगेटिव का बी पार्ट पढ़ा, आज हम इंपरेटिव का ए पार्ट देखेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे बनाया जाता है, देखिए बात यह है कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या है, इन्हें हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो इनमें सबसे पहले वर्ब दी गई होगी या डू नॉट दिया गया होगा। ये दिया कहाँ गया होगा, ये दिया गया होगा रिपोर्टेड स्पीच में, जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग होता है, ये वाला भाग होता है, इसके अंदर दिया गया होगा, ये चीजें दी गई होंगी। तो समझ लेना ये इंपरेटिव है। बनाएंगे कैसे, ये भाव के अनुसार कुछ एक टेबल है आपके सामने, इस टेबल को देखिए। जैसे आदेश मिल रहा है तो सेड आर सेड टू को ऑर्डर्ड में, सलाह मिल रही तो सेड आर सेड टू को एडवाइज्ड में, प्रार्थना मिल रही तो सेड आर सेड टू को रिक्वेस्टेड में, और सेना नायक द्वारा अगर आदेश मिल रहा है तो सेड आर सेड टू को कमांडेड में बदल देते हैं। अब देखो कैसे बनाते हैं, देखें ध्यान दें। जैसे लिखा ही सेड टू मी स्टैंड अप, तो ही अब देखो ही सेड टू मी स्टैंड अप, अब इसमें भाव देखो क्या मिल रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो क्या मिला, आदेश मिला है, तो सेड आर सेड टू को ऑर्डर्ड में बदलेंगे, ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड मी, और कामा इन्वर्टेड कामा हटा के टू लगाया, आगे झुका तो आपका रहेगा टू स्टैंड अप, टू स्टैंड अप, ये आपका चेंज हो गया। ठीक इसी प्रकार दूसरा है रीता सेड टू मी, रीता ने मुझसे कहा प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, रीता ने मुझसे कहा कृपया मुझे एक ग्लास पानी दीजिए। तो जिनमें प्लीज लगा हो, जिनमें प्लीज लगा हो, प्लीज वालों में क्या करते हैं, प्लीज वालों में हम लोग क्या करते हैं, सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा रीता रिक्वेस्टेड, रीता रिक्वेस्टेड, रीता रिक्वेस्टेड मी, रीता रिक्वेस्टेड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के टू लगाया, प्लीज और काइंडली दोनों शब्द हटा दिए जाएंगे, टू गिव ए ग्लास ऑफ वाटर, टू गिव ए ग्लास ऑफ वाटर, ऑफ वाटर, कोई चेंजिंग नहीं इसमें रहेगी। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट रहेगा आपका माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा बी पंचुअल, पंचुअल रहिए, नियमित रहिए, तो मित्र हमेशा आपको क्या करेगा, एडवाइस करेगा, तो माई फ्रेंड ये आपका रहेगा माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड सेड आर सेड टू को एडवाइज, माई फ्रेंड एडवाइज, एडवाइज मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के टू लगाया, बी पंचुअल, बी पंचुअल, बी पंचुअल, बी पंचुअल, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट रूल है यदि डू नॉट से प्रारंभ हो, यानी रिकॉर्डेड स्पीच में सबसे पहले अगर डोंट दिया तब क्या करोगे, सेड आर सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देना, और कामा इन्वर्टेड कामा डू नॉट पूरा का पूरा पार्ट हटा के टू लगा देना। जैसे राम राम, देखो डोंट से चालू है तो हमने क्या किया, सेड आर सेड टू को फॉरवर्ड में कर दिया, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के टू, ये डोंट पूरा का पूरा गायब हो गया, बचा आपका स्मोक, ये स्मोक होता, ये आपका चेंज हो गया। ठीक है इसी प्रकार से अगला है सुभनीत सेड टू हिम डोंट सिंग, तो सुभनीत सुभनीत सुभनीत, ये रहा सुभनीत, सुभनीत सेड टू को किस में बदलेंगे, फॉरवर्ड में बदलेंगे, ये हो गया फॉरवर्ड, फॉरवर्ड हिम, फॉरवर्ड हिम, और कामा इन्वर्टेड कामा हटा के हमने टू लिखा, और ये डोंट तो पूरा हटा ही दिया जाएगा, अब सिंग ये आपका बचा। इस प्रकार से आपने ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट ए इम्परेटिव का समझ लिया। ऐसे पार्ट बी आपको लेट और लेटेस्ट वाला डाला जाएगा आगे, वो भी आप देखेंगे, और इन सेंटेंसों को कायदे से समझें। आपके पास जो मटेरियल्स हो या आपके पास जो बुकें हो, उन बुकों में इनकी स्टडी करें, इनको इनडायरेक्ट में चेंज करें, और जो भी आपके समझ में ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, उस सेंटेंस को समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इस चैनल को आप देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।